हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, मेरी बेटी ने मेरे को एक यूट्यूब चैनल बना के दिया है और उस पर मुझे काम दिया है आपको फिजिक्स पढ़ाने का, जो मैं कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरा फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम डाउन टू टॉप। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ये चैनल मैंने अपने पापा के लिए बनाया है। इसका मेरे पापा को फिजिक्स पढ़ाएंगे। अब आप पढ़िए, हम पीछे रहते, मेरे पापा को पढ़ाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया है। कहां से? फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। जैसे हमने यहाँ पे एक थीटा एंगल से यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट किया। एंगल थोड़ा सही नहीं बना, फिर से बना देता हूँ। ठीक, ग्राउंड टू ग्राउंड पे मैंने आपको पढ़ाया है प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट इन सर्टेन एंगल फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं कि इस ग्राउंड को उठा करके थोड़ा सा घुमा देते हैं, टिल्ट कर देते हैं। सपोज करिए यहां से इस तरीके से ऐसे घुमा दिया इसको। ठीक, अब क्या हुआ, थोड़ी कहानी बदल गई कि अब प्रोजेक्टाइल चलेगा तो ग्राउंड से ही, बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से चलेगा, लेकिन नीचे ना करके यहीं पे रुक जाएगा जहां पे इसकी और इंक्लाइन प्लेन की मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, तो हमको आज इसमें ये पढ़ना है। तो ऐसी कंडीशन में एंगल बदलता नहीं है, लेकिन एंगल के दो पार्ट हो जाते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं? एक एंगल वो हो जाता है जिस एंगल पे इंक्लाइन प्लेन है, इसको हम सपोज कर लेते हैं थीटा, और एक जिस एंगल पे हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया उस पे। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है हमारा, ये प्रोजेक्टाइल के प्लेन से है। ठीक, अब देखिए इसमें हमको क्या क्या चेंज मिलेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों तीन चीजें होती हैं, उसको देखना पड़ेगा। सबसे पहला होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा मैक्सिमम हाइट और फिर रेंज। ठीक है, पहले मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूं, फिर उसका डेरिवेशन करेंगे। तो बच्चों देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे थोड़ा सा चेंज ये होगा कि यहां से चला और यहां पे पहुंचा। ठीक है, तो इस टाइम को इस यहां से यहां तक पहुंचने में पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ये हमारा पहुंचा, तो प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। ठीक, अब देखिए, अब है हमारा दूसरा है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जब हम ग्राउंड से ले रहे थे तो ये था हमारा मैक्सिमम हाइट, ये था वो हाइट जहां पे जाकर के वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट हमारा जीरो हो जाता था, वो वाला हमारा था मैक्सिमम हाइट। देखिए बच्चों, यहां पे मैक्सिमम हाइट हम लेंगे प्रोजेक्टाइल के इंक्लाइन प्लेन के सरफेस से। हमारा जो मैक्सिमम हाइट होगा वो ये होगा। ठीक, इसी को हमें देखना है, वो नहीं होगा जो हम एक दो तरीके की हाइट होती है बेटा बच्चों इसमें। देखिए, एक तो ये हाइट होगी यहां से और दूसरी हाइट होती है ये, दोनों को मैं अलग अलग कलर से बता रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ग्राउंड से उसकी हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और दूसरा इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। इस दोनों टर्म को हमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, और थोड़ा दोनों में डिफरेंस है ये भी हमको समझना पड़ेगा, वो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी चीज है रेंज। रेंज क्या था हमारा? ग्राउंड पे चली हुई डिस्टेंस, मैक्सिमम जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर किया वो हमारा कहलाता है रेंज। यहां पे रेंज क्या है? यहां पे रेंज है बच्चों कि हमने प्रोजेक्टाइल ने जो है पैरेलल टू प्रोजेक्टाइल जितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, ये यहां पर है। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो भी स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब हमने इस ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या किया था, कंपोनेंट वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट बांटे थे इस तरीके से। एक था हमारा u cos थीटा और दूसरा था
u साइन थीटा, अगर आपको याद हो, याद तो होगा ही आप लोग, जी नीट और जेई देने जा रहे हो, ये सब तो याद होगा आप लोग, चुटकी होगा, खेल होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे था, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे वेलोसिटी के, ठीक। जब वेलोसिटी के हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, करते ये हैं कि इस बार थोड़ा सा अलग कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट हम क्या करते हैं, वर्टिकल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन हम कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये हमारा थीटा है, ऐसे इस तरीके से देखिए एक दूसरे से ये होगा 90 पे, इस तरीके से हम इसको ऐसे उठाते हैं, यहां रखते हैं ऐसे और घुमा देते हैं, बात को समझिएगा, ऐसे हमने इसको घुमा दिया। देखिए ये याद चीज है, ऐसा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक। ये हमारा आ गया बच्चों, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन का एक्स डायरेक्शन इधर है और वाई डायरेक्शन हम इधर ले लेते हैं, मतलब वाई डायरेक्शन ये हो गया और एक्स डायरेक्शन इधर हो गया, किसका, इंक्लाइन प्लेन का। हम इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं, ग्राउंड वाले को भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए, ठीक। इस तरीके से प्रोजेक्टाइल जा रहा है और यहां से अल्फा एंगल ये बना रहा है, ठीक। अब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो होगा यू कॉस अल्फा, अगर इसको u से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन जो है हमारा होगा u साइन अल्फा, अगर हम इसको u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ पे बात हुई एक, दूसरी इसको हम यहाँ पे ट्रेस कर देते हैं इसमें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये हमारा हो गया u cos अल्फा और ये हो गया u sin अल्फा, इसमें आप इस फिगर को ये मान के चलिए कि ये जो यहाँ पे ऐसे घुमा हुआ है उसको मैंने यहाँ पे सीधा बना दिया, ताकि आपको बात ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक। अब देखिए क्या होता है, दूसरा जो हमारा दूसरी बात जो थी हमारी वो थी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन सा होगा, और यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, ना उसकी वेलोसिटी को घटा रहा था ना उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा था, जो था वो जीरो था, ठीक। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा था, ठीक। ये बच्चों वहां पे था, यहां देखते हैं क्या चीज है। तो देखिए जी यहां भी इस तरीके से डाउनवर्ड काम कर रहा है, समझ में आ रहा है आपको, और देखिए यहां से इस तरीके से, और वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन हमारा क्या है, वो ये डायरेक्शन है, ठीक। अब जी हमारा इधर लग रहा है, अब देखिए तो हम क्या करते हैं कि इसका पहले एंगल निकालते हैं कि किस एंगल पे ये हमारा लग रहा है। तो ये एंगल हमारा आता है थीटा, ये आपको निकालना आता है मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। तो अब हमारा वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे जी काम कर रहा है, ये हमें साफ साफ यहां पे दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन को पूरा का पूरा जी हमारा इफेक्ट तो नहीं करेगा, तो क्या कौन सा कितना इफेक्ट करेगा, जो इसी के डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में जो जी का कंपोनेंट हमें मिलेगा वो इसको इफेक्ट करेगा, और वो होगा जी कॉस थीटा, ठीक। अब इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, तो ये होगा हमारा जी साइन थीटा, ओके। अब देखिए यहां हुआ क्या, जी के दो कंपोनेंट बन गए। अब ये क्या है कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाले मोशन को भी इफेक्ट करेंगे और वर्टिकल टू द इंक्लाइन प्लेन वाले मोशन को भी ये इफेक्ट करेंगे, ठीक। ये यहां पे एक बात आती है। दूसरी चीज ये हो गई कि पहली बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन में हमको स्पीड कम करने वाला, उसका जो वेलोसिटी कम करने के लिए एक एक्सेलरेशन मिला है, जो कि अभी तक जितने भी हमने केसेस पढ़े थे उसमें नहीं मिला है। तो इसको हम यहाँ पे साफ साफ बता देते हैं कि जी कॉस थीटा हमको ऐसे मिला है,
देखिए जी कॉस थीटा इधर हमको मिल रहा है और जी साइन थीटा हमको इधर मिल रहा है, जी साइन थीटा इधर मिल रहा है जो कि हमारे फॉरवर्ड होरिजेंटल मोशन को अफेक्ट करेगा। ठीक, इतनी सी बात हुई, ये सारे टूल्स हमारे हाथ में आ गए जिससे हमें इसका फर्दर कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। अब देखिए फिर वहीं पे आ गया कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट बच्चों हमारा क्या था, मैंने आपको फिर से बताया है कि प्रोजेक्टाइल तीन कंसेप्ट का बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, तीन कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है। पहला कंसेप्ट है कि मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन इन वर्टिकल लाइन, दूसरा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों का वेक्टर एडिशन। ठीक, वही काम करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन से हमारा निकलता है, वो टाइम जहां पे जाकर के वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाए उस टाइम को हम निकाल लेते हैं, तो वो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में हेल्प करता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो, यानी कि वी वाई हमारा जीरो हो रहा है, यू वाई है हमारा यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। ठीक है, और ए वाई है हमारा माइनस जी कॉस थीटा, और टाइम आधी दूरी तय कर रहा है इसलिए हम इसको लेते हैं, टाइम हो गया हमारा टी हाफ। ठीक, टी हाफ हो गया हमारा टाइम, तो इसको हम टी जो है वो हमारा हो गया टी हाफ। ठीक बच्चों, अब देखिए यहां पे सिंपल सा फिनोमिना है, वो हम लगा देते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब वी वाई हमारा क्या है, जीरो है, यू वाई क्या है, यू साइन अल्फा है, ओके, प्लस ए वाई है माइनस जी कॉस थीटा, और टी है हमारा टी हाफ। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा इंटू टी हाफ इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, और इस हिसाब से टी हाफ आ गया हमारा यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। ठीक, ये क्या हुआ, टी हाफ मैंने क्यों लिया, टी हाफ है आधी दूरी तक चली गई, आधी दूरी तक जो हमने दूरी तय करी आधे प्रोजेक्टाइल मोशन में लगा हुआ टाइम, ओके, आधी प्रोजेक्टाइल मोशन में लगा हुआ टाइम। अब हमको पता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतने नीचे आने में लगेगा, तो जितना टाइम यहां से ऊपर जाने में लगा उतना नीचे आने में लगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टू इंटू टी हाफ, इसका मतलब हुआ टू इंटू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हमारा ये आ रहा है, टी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन वो आ रहा है टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ये हमारा आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम डाउन टू टॉप। ठीक, ये हो गया। अब आप सोच रहे हैं बार बार मैं डाउन टू टॉप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी दूसरा केस आएगा जिसमें हम टॉप से नीचे भेजेंगे। ठीक है, उसका वीडियो अलग बनेगा, वो भी आप देखिएगा। ठीक, ये आ गया। अब देखिए कुछ याद करिए, जब हमने ग्राउंड से ग्राउंड पे फेंका था, हैं, ग्राउंड से ग्राउंड पे फेंका था, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट था टू यू साइन थीटा अपॉन जी था, जहां थीटा यहां पे ये थीटा अलग है, वो थीटा अलग था, थीटा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, वो ये था। वहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो था हमारा एक्सेलरेशन वो जी था। ठीक है, यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा जी कॉस थीटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतने आ रहा है कि जी और जी कॉस थीटा का अंतर आ रहा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट एनी कंडीशन वो यू वाई डिवाइडेड बाई जी वाई होगा, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हमको मिला, हम इसको साइड में नोट कर लेते हैं, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बच्चों बात आती है हमारी, इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद हमारी बात आती है मैक्सिमम हाइट की। तो अब हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम डाउन टू टॉप।
तो देखिए मैक्सिमम हाइट कौन सी हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट वो हाइट होती है जहां पे जा करके वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करने वाले पार्टिकल का या बॉडी का वेलोसिटी जिस पॉइंट पे जा करके जिस हाइट पे जा करके जीरो हो जाए वो हमारी वर्टिकल हाइट होती है। ठीक है, तो सपोज करते हैं वो हाइट हमने ले ली एच मैक्स, एच जो था वो था हमारा एच मैक्स। ठीक है, हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, मैक्सिमम हाइट तो जा गया, वहां इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो जहां वेलोसिटी जीरो हो गई वो हमारा एच मैक्स है। तो हम टर्म्स नोट करेंगे, एच इक्वल टू हो गया एच मैक्स, वी वाई हो गया हमारा जीरो, यू आई हम ले लेंगे यू साइन अल्फा। ठीक है, और ए वाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा ग्रेविटी है वो है माइनस जी कॉस थीटा। ठीक, ये है माइनस जी कॉस थीटा। अब यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा जो होगा वो होगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एच, ये आ गया हमारा। तो वी वाई देखिए क्या है, जीरो है, जीरो स्क्वायर, यू वाई है यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टू ए वाई है हमारा माइनस जी कॉस थीटा, और एच हो गया हमारा एच मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ रहा है टू जी कॉस थीटा एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि एच मैक्सिमम हमारा हो गया वो हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई टू जी कॉस थीटा। ये आया एच मैक्सिमम ऑफ ए इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, फ्रॉम डाउन टू टॉप, ये एच मैक्स इस तरीके से आया। अब हम ग्राउंड टू ग्राउंड वाले एच मैक्स को याद करें तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला एच मैक्स था वो कुछ इस तरीके से था, वो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, जहां पे थीटा ग्राउंड से ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल का एंगल था और जी था। इसमें भी देखिए वही बात आ रही है कि जो देखिए हमारा जो जी था वो वहां पे वर्टिकल डायरेक्शन था, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा जी कॉस थीटा मिल रहा है, सेम चीज है, सेम तरीके से है। और इस तरीके से एच मैक्स को भी हम उस तरीके से लिख सकते हैं इन एनी केस, मतलब इन एनी केस एच मैक्स हमारा क्या होगा, वो होगा यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी वाई। ठीक, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत तरीके से घुमा घुमा के देते हैं। ठीक, तो ये हमारा आ गया एच मैक्स ऑफ इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, और ये हाइट जो है ये है, ये वाली, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन से है, ये रेड वाली लाइन पे नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एच मैक्स का जो हमारा फॉर्मूला आया है, एच मैक्स का फॉर्मूला आया है वो आया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी कॉस थीटा। ठीक, हाँ, अब जो है आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, दो फॉर्मूले निकाल दिए कि रेंज में भी यही कर दें, रेंज में भी यही कर दें, जी की जगह जी कॉस थीटा लिख दें, हमारा रेंज निकल आएगा। ठीक है, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा इसमें नहीं होता है। क्या है, हमको चलना कंसेप्ट से ही है। कंसेप्ट क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में हमको जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का, वो हमारा रेंज कहलाएगा। और ग्राउंड से ग्राउंड वाले में, और इसमें सिर्फ एक अंतर है कि वहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं था, और यहाँ पे एक्सेलरेशन है, उसका उस एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी साइन थीटा, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में, यानी माइनस माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तब हमारा निकलेगा रेंज, और यही इसकी जो है एकमात्र डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस छोटे मोटे हैं। तो चलिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जी साइन थीटा एज ए जो है एक्सेलरेशन लेकर के, डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम करेगा यहाँ पे ये, उसको लेकर के। तो देखिए हमारा ए वाई यहाँ पे क्या है, ए वाई है माइनस जी साइन थीटा, ओके, U A X होगा, X के डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, लिखने में, क्योंकि अभी दो Y वाले लगाए थे तो फ्लो उसी में बना हुआ था,
ए वाई ए एक्स हमारा है माइनस जी साइन थीटा, यू एक्स लेंगे यू एक्स है हमारा यू कॉस एल्फा, ठीक है। और टाइम होगा जो यहां पे वो यही होगा, क्योंकि तो प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया है, तो यहां से यहां तक जाने में क्या इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। इस टाइम को हम लेंगे टू यू साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये हमारा आ गया टाइम, ठीक है। ये हमारा टाइम आ गया यहां से यहां तक लगा हुआ। अब हमको निकालना है इस डायरेक्शन में हमको कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को हम बोलेंगे रेंज। तो सिंपल सा उसको हम जो है कैसे निकालेंगे, x बराबर यू एक्स टी प्लस वन बाई टू ए वाई टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को लगा करके हम निकाल लेंगे। चलिए काम करते हैं। सपोज करिए x हमारा है r, यू एक्स हमको दे रखा है यू कॉस एल्फा, और t हमारा है ये टू यू साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है। प्लस बनाया हमने, और इसके बाद वन बाई टू ए एक्स कितना है हमारा, ए एक्स है हमारा माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा ये आ गया। और टी स्क्वायर करेंगे हम तो हमारा आ रहा है फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकल के आया। देखिए हम जी से जी को कट कर देंगे, ठीक है, टू से कट रहा है हमारा, ये आ रहा है टू, और जो कुछ बचा वो हम यहां पे लिख लेते हैं। वो क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू यू स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक, माइनस टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए इसमें लेते हैं एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लिया तो ये आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा टू यू स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा और कॉस थीटा, एलसीएम लेने पे ये फैक्टर बढ़ जाएगा इसमें, और यहां आएगा टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा साइन थीटा आ गया, ठीक। अब इसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, वो आ रहा है टू यू स्क्वायर साइन एल्फा, ये हमारा आ रहा है कॉमन, ठीक। अंदर हमारा क्या बच रहा है ब्रैकेट में, वो बच रहा है कॉस एल्फा कॉस थीटा माइनस साइन एल्फा साइन थीटा, ब्रैकेट हमने क्लोज किया और नीचे लिख दिया जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब रेंज जो आई हमारी वो देखिए, ये जो फार्मूला है ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस साइन ए साइन बी, ठीक, ये फार्मूला है। तो इसको हम सिंपली यहां पे लिख देते हैं कि टू यू स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और ये आ जाएगा कॉस एल्फा प्लस थीटा, इसको हमने इस तरीके से बना दिया, और ये हमारा है रेंज का फॉर्मूला इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रॉम डाउन टू टॉप, जब हम प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब ये हमारा रेंज का फॉर्मूला है, इसको आप कर लीजिए नोट, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। और अब बच्चों करते हैं सवाल। हाँ बच्चों, तो देखिए मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है। ये एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है होरिजेंटल से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और यहां से हमने इंक्लाइन प्लेन से 45 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया 20√2, ठीक है, 20√2 के स्पीड से, 20√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ओके, ये हमने किया। अब हमको यहां पे क्या क्या निकालना है, देखिए निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर वन, नंबर टू निकालना है मैक्सिमम हाइट एच मैक्स एंड रेंज, ये तीनों हमें फाइंड आउट करना है, इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट,
T is equal to u 2u sin alpha divided by g cos theta, ठीक। और h max हमारा जो था वो था u square sin square alpha divided by g cos theta, ठीक। अब टर्मिनोलॉजी लोड करते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन है, मैं सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आपको बात बहुत आसानी से समझ में आए। और देखिए यहां पे क्या क्या चीजें हमको दे रखी हैं वो नोट कर लेते हैं। तो थीटा यहां पे है 37 डिग्री, ओके, थीटा जो है हमारा 37 डिग्री है और अल्फा है हमारा 45 डिग्री, ठीक। तो दो वैल्यूज हमको दे रखी हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज की, साइन 37 ये हमारा आएगा 3/5 और कॉस 37 ये आएगा 4/5। अब इसको लेकर के हम सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2u sin alpha upon g cos theta, वैल्यूज पुट करते हैं, 2u हमारा 20√2, ठीक, साइन अल्फा इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाई जी लेते हैं 10 और कॉस थीटा हमारा है कॉस 37 डिग्री। इसका मतलब हुआ 20 × 20√2 × 1/√2 डिवाइडेड बाई 10 × 4/5, ठीक, कॉस 37 की वैल्यू 4/5 है। ये हमारा कट गया इस तरीके से, ये कटाया 2 और 2 से 2 गया और 4 से गया तो आया 5, कुल मिला के बचा 5 सेकंड, 5 सेकंड आ गया हमारा टाइम ऑफ लाइफ, इसको यहां नोट कर लेते हैं 5 सेकंड, ठीक ठीक है बच्चों, देख लीजिए ऐसे ही होगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके। अब जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा पार्ट निकालते हैं क्वेश्चन का, एच मैक्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे और एच मैक्स हमारा क्या है, एच मैक्स है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यू स्क्वायर हमारा क्या है 20√2 × 20√2 और साइन 45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी है 10 × cos theta हो गया हमारा cos theta, ये आएगा cos 37। सबसे पहले वैल्यूज रख लेते हैं बाद में पुट करेंगे आराम से। तो 20√2 × 20√2 × 1/√2 × 1/√2 डिवाइडेड बाई 10 × 4/5, सबकी वैल्यूज मैंने रख ली, sin 45 की वैल्यू आपको पता है, 37 की वैल्यू यहां पे दे रखी है, ये निकल गया रूट टू से हमारा, ये दोनों कट गया, 5 से कटा 2 से और देखिए क्या कट रहा है, 4 से कटा 5 2 से कटा 10 और टोटल मिलाकर के आ गया ये 50 मीटर, एच मैक्स आया हमारा 50 मीटर, ठीक है, एच मैक्स हमने लिख लिया 50 मीटर। अब देखिए बच्चों क्या होता है इसमें, हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमको रेंज। तो रेंज के लिए हम फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। रेंज हमारा क्या था, होरिजेंटल डायरेक्शन में चला गया दूरी, या कह रहे होरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वो रेंज थी। तो उसको हम सीधे फार्मूले से निकालेंगे, जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला है वही अप्लाई करेंगे। कारण बताता हूं क्यों, कारण ये है कि रेंज का जो हमारा आया था वो आया था फॉर्मूला 2u² sin α/, ठीक, जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा, यहाँ अल्फा है हमारा 37 और थीटा है हमारा, नहीं सॉरी अल्फा है हमारा 45, अल्फा है 45 और थीटा है हमारा 37, ठीक है, ये कॉस में आ जाएगा और ये आपका मिलाकर के हो जाएगा 82, जिसकी वैल्यू थोड़ी सी टेढ़ी भी होगी। फिर आप कहेंगे कि फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है, तो फार्मूला लगाना है तो बेसिक वाला लगाओ ना, कॉस ए माइनस बी वाला लगाओगे
ज्यादा टाइम लगेगा और टाइम एग्जामिनेशन में हमारे पास होता नहीं, स्टडी के लिए भी काम होता है, इसलिए इसके सिंपल कंसेप्ट से चलेंगे तो आसानी से निकल जाएगा और कैलकुलेशन भी हमारी कम होगी। हम सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे लगा देंगे, x बराबर यू एक्स टी प्लस वन बाई टू ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या चीजें हमको चाहिए वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यू एक्स हमारा क्या है, u cos alpha, u cos alpha, u हमारा कितना है 20√2 और cos alpha है cos 45। देखिए alpha हमारा 45 है, ध्यान रखेंगे एंगल में गलती हो जाती है तो सवाल पूरा गलत हो जाता है। तो ये हमारा आ गया इस तरीके से, तो ये 20√2 into 1/√2 ये गया कट तो आया ux हमारा 20। उसके बाद हमारा टर्म बच रहा है ax, ax हमारा क्या है g साइन थीटा, माइनस g साइन थीटा है तो माइनस 10 इंटू साइन थीटा है हमारा 30, थीटा 37 है तो यहां रखेंगे साइन 37 और ये आ जाएगा माइनस 10 इंटू साइन 37 कितना हो रहा हमारा 3/5, ये गया कट ये आ गया 2, तो आ गया माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया ax। इसको हम यहां साइड में नोट कर लेते हैं, वो क्या आया ux इक्वल टू, देख लीजिए आप पूरी तरीके से ux इक्वल टू आया है 20 मीटर पर सेकंड और ax हमारा आ गया है माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जो कि हमारा आया है 5 सेकंड और इसीलिए मैंने नोट किया था। ठीक है, अब हम इसको वैल्यूज को पुट करके हम रेंज यहां पे निकाल लेते हैं, तो हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज को, तो देखिए रेंज हमारा आर हो गया, यूएक्स हमारा कितना है 20, टाइम हमारा कितना है 5 सेकंड प्लस ये है माइनस 6, ए एक्स 1/2 ये माइनस 6 है इंटू 5 इंटू 5, तो ये हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 100 माइनस, ठीक है 3 इंटू 5 इंटू 5 और ये आ गया 100 माइनस 75, यानी रेंज हमारी आ गई 25 मीटर। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, देखिए कितनी आसानी से निकल गया। अब यदि हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाते तो नहीं हो पाता। ठीक, अब देखिए यहां पे एक चीज आई थी होरिजेंटल, क्या कहते हैं होरिजेंटल नहीं सॉरी वर्टिकल हाइट, एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम हम दो तरीके से निकालेंगे। ठीक है, एच मैक्सिमम देखिए ये था हमारा, मैंने आपको बताया नहीं उस टाइम, ये देखिए ये एच, ये जो 50 मीटर आया है ये है, कभी कभी सवाल में ग्राउंड से पूछ लेता है, ठीक है कि ग्राउंड से, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली यहां पे ज्योमेट्री लगानी है। ठीक है, और यहां से कैलकुलेट कर लेना है, बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा कि यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी हो जाएगी। ओके, हमेशा क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि जो है कहां से पूछा है, हाइट कहां से पूछी है, ठीक है ग्राउंड से पूछी है कि इंक्लाइन प्लेन से पूछी है, उसी तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। ठीक, हाँ बच्चों देखिए एक ये मैं एक आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि थोड़ा सा अलग है, अलग ये है कि एक ये इंक्लाइन प्लेन है किस पे थीटा एंगल पे। ओके, यहां से हम एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं और वो यहां आके हिट करता है और ये अल्फा एंगल पे हिट किया जाता है, इसकी वेलोसिटी जो है वो है यू, इतनी चीजें हमको दे रखी है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारा जी है जो कि नीचे की ओर लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट हमें जी कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में मिलता है इंक्लाइन प्लेन के और दूसरा मिलता है जी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के माइनस माइनस डायरेक्शन दोनों का है। ठीक, ये हमारा होगा यू कॉस अल्फा और ये हमारा इसके वर्टिकल होगा यू साइन अल्फा। ठीक, ये इतनी चीजें हमें पहले से ही पता है, आप लोग जानते हो बहुत होशियार हो सभी लोग, आपको पता है। अब देखना है क्या करता है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो आई नहीं बात, वो ये पूछ रहा है कि अल्फा और थीटा में, मैं यहां लिख देता हूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
अल्फा एंड थीटा दैट प्रोजेक्टाइल हिट द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मली। ठीक, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अल्फा थीटा में रिलेशन निकालिए जिससे कि ये इसको 90 डिग्री पे हिट करे, ये क्वेश्चन इनका है। ठीक, अब देखिए हमको इस कंडीशन को समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्टाइल किस कंडीशन में 90 डिग्री पे हिट करेगा। ठीक, सिंपल सी बात है, प्रोजेक्टाइल जब 90 डिग्री पे हिट करेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगी वी वाई, इस डायरेक्शन में जो वी एक्स होगा वो होगा जीरो। ठीक, वो होगा हमारा जीरो। तो हमको सिर्फ ये चीज देखना है, वो कंडीशन देखनी है जिसमें हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है जीरो हो जाए आफ्टर टाइम टी, यानी कि पूरा टाइम पीरियड के बाद। तो देखते हैं इसमें टाइम पीरियड हमारा कितना लगेगा, वही टाइम ऑफ फ्लाइट, वो होगा 2u sin alpha अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक, 2u sin alpha अपॉन जी कॉस थीटा। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कि वी एक्स हमारा हो गया जीरो, यू एक्स हमारा क्या है, यू एक्स है हमारा यू कॉस अल्फा। ठीक, और ए एक्स क्या है, वो है माइनस जी साइन थीटा। देखिए ये इस डायरेक्शन में आ गया। अब इसको हम अप्लाई करते हैं कंडीशन पे, तो हमारा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ही आया वी एक्स हो गया जीरो, यू एक्स हमारा है यू कॉस अल्फा प्लस ए एक्स हमारा माइनस जी साइन थीटा, और टाइम है हमारा वो है ये 2u sin alpha अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, देख लीजिए बड़े आराम से इसको देख लीजिए, कायदे से समझ लीजिए एक एक टर्म को, एक एक चीज को, जी से जी हमने कर दिया कट। ठीक, जी से जी हमने कट कर लिया। अब हम इसको इधर उधर करते हैं, तो ये हमारा आ रहा है यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू जी तो कट हो गया हमारा। ठीक है, जी कट हो गया, ये आ रहा है हमारा साइन थीटा इंटू टू यू साइन अल्फा और अपॉन कॉस थीटा, इनको एक साथ लिख लेते हैं कॉस थीटा। क्लियर, देखिए यू से यू हमारा गया कट और ये आ जा रहा है इस तरीके से, अल्फा वाले को टर्म को इधर ले आते हैं तो वो आ गया हमारा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी हो गया हमारा कॉट अल्फा इज इक्वल टू टू टेन थीटा। ठीक, ये हमारी आई कंडीशन कि जब ये पार्टिकल ये प्रोजेक्टाइल जो है हमारा हिट करेगा इसको 90 डिग्री पे, ये हमारा कंडीशन आ गया। ठीक, अब इसके भी एक डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। देखिए ये एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे। ठीक है, यहां से 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन प्लेन से एक जो है प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर वन, नंबर टू निकालना है एच मैक्स और नंबर तीन निकालना है रेंज। ठीक है, देखिए यहां पे थीटा हमको दे रखा है 30 और अल्फा दे रखा है हमको 60, ये हमको गिवन है। ठीक, अब चलिए एक एक करके निकालते हैं और बड़ा मजेदार कंसेप्ट है ये, बहुत मजेदार चीज होने वाली है इसमें, देखिएगा। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था हमारा 2u sin alpha अपॉन जी कॉस थीटा, ये था। तो देखिए 2 into u है हमारा 20 और साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा कितना दे रखा है 60। ठीक, डिवाइडेड बाई जी हमारा 10 है और
जी है हमारा 10 और कॉस थीटा है हमारा 30, ठीक है। थीटा इसको लेते हैं ना नीचे वाले को, ये आ गया, तो ये हमारा कट गया, ये आ गया 2, तो 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 बाई 2 इसकी वैल्यू होती है, और कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, ये पूरा पूरा कट गया, इसकी वैल्यू आई 4 सेकंड, t इक्वल टू 4 सेकंड। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से पुट कर देते हैं, ठीक, ये हमारा एक आ गया। अब निकालते हैं एच मैक्स, एच मैक्स, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, यही था। यू कितना हमारा 20, तो 20 इंटू 20 इंटू साइन अल्फा कितना है 60 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई जी हमारा कितना है वो है 10, और कॉस थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। फिर इसको करते हैं सॉल्व, तो 20 इंटू 20 इंटू साइन 60 रूट 3 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कॉस 30 रूट 3 बाई 2, ये गया हमारा कट एक रूट 3 बाई 2 से, ये कटा आया हमारा 2, 2 से 2 कटा और वैल्यू आ रही इसकी 20 रूट 3, ये आ गया हमारा एच मैक्स 20 रूट 3 बाई मीटर, इतना मीटर, ये आ गया हमारा 20 रूट 3। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताता हूं, ये जो हमारा एच मैक्स है ये यहां से है, ठीक, ये यहां से है, इसको आप यहां से कभी मत लीजिएगा, ठीक है, ये यहां से एच मैक्स है हमारा। अब देखिए क्या होता है, तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रेंज, रेंज निकालते हैं, तो रेंज में हम जो जो चीज रखेंगे उसको यहां पे देखते हैं। रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमें देखना है, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यूएक्स हमारा क्या है, यू कॉस अल्फा इंटू टी टाइम ऑफ लाइट प्लस 1/2 माइनस जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ठीक। यू देखते हैं क्या है, यू है 20, कॉस अल्फा कितना है हमारा 60, हमने 60 रख दिया यहाँ पे, इंटू टी कितना आया है 4 सेकंड, प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको माइनस करते हैं, माइनस 1/2 इंटू जी की वैल्यू है 10 साइन, ठीक, साइन और थीटा की वैल्यू है 30, हमने 30 रख दिया, और टाइम स्क्वायर है 4 × 4, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट ही रखते हैं रेंज में, तो वो 4 आया तो हमने 4 यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, ठीक। इसको करते हैं सॉल्व करने पे देखिए क्या रहा, 20 इंटू 1/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू 4 इंटू 4, ये आ रहा है हमारा, ठीक। सॉल्व करते हैं तो देखिए आया 2, और ये 2 ये वाला 4 कट जाएगा हमारा, तो देखिए 20 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 4 ये आ रहा है, यानी कि 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, रेंज आई 0, और यही मैं आपको बताना और दिखाना जा रहा था, अब समझाऊंगा क्या हुआ। रेंज 0 क्यों आई, सवाल यहां पे पैदा होता है कि रेंज 0 क्यों आई, क्या ये वर्टिकल प्लेन पे नहीं गया, तो इसका सही जवाब है बिल्कुल नहीं गया। क्यों नहीं गया, आपको ये देखना है यहां पे कि यहां से जो एंगल बन रहा है 60 और 30 को अगर जोड़ देंगे तो 90 हो रहा है, 90 का मतलब हुआ कि हमको क्वेश्चन में दिखाया तो ऐसे गया है, लेकिन इसको जो है थ्रो किया गया वर्टिकली, 90 हो गया ना, 90 यहां से इस तरीके से वर्टिकली यहां से दिखाई देगा, फेंका गया है, तो ये जब गया ही नहीं इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में तो उस पर रेंज क्या कवर करेगा, कभी नहीं कवर करेगा ना, यही चीज है। अब आते हैं एच मैक्स के बारे में बताने के लिए, सपोज करिए यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है, और एक पार्टिकल यहां से वर्टिकली ऐसे थ्रो किया गया तो आपको दिखाई तो देगा ना ये, तो यहां से जो इसकी डिस्टेंस आएगी वो एच मैक्स आएगी, जो कि इतनी होगी, ठीक, और बाकी जो चीजें होंगी वो सेम निकलेंगी, ठीक। ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, यहां पे कोई बंदा खड़ा हुआ तो उसको दिखाई देगा हाँ एक पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे गिर गया, लेकिन वो उसके डायरेक्शन में नहीं आया, अगर ये एंगल 60 के अलावा 30 होता तो उसको इधर आता हुआ दिखाई देता, यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात थी जिसको मैंने दिखाने के लिए आपको ये सवाल लगाया पूरा। अब हमको सवाल करते समय क्या देखना है, अगर इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आता है हमारे पास तो सबसे पहले हमको इन दोनों एंगल को जोड़ के देखना है 90 तो नहीं हो रहा है,
अगर ये 90 हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्टाइल है ही नहीं, ये तो वर्टिकल मोशन का सवाल हो गया, तो उसमें ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। और ऑप्शन में आ सकता है कि ऑप्शन कैसे लिखे, कैसे लिखे होंगे ऑप्शन आपके सामने, कि सपोज करिए आपको इस टाइप का एंगल दे दिया गया कि अल्फा और थीटा हमारा हो जाता है 90 है, तो ऑप्शन आपके दिए होंगे कि रेंज जीरो होगी, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन होएगा ही नहीं, या रेंज निगेटिव होगी, इस टाइप के ऑप्शन दिए होंगे और उसमें आपको देख करके रखना पड़ेगा। तो प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पे सबसे पहले करते हुए आप एंगल देख लीजिए कि एंगल हमारा 90 या 90 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर 90 से ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा कि ये फिर इधर जाएगा ही नहीं, ये तो इधर चला जाएगा, और उस केस में रेंज आएगी निगेटिव, निगेटिव भी आता है। ठीक है, सपोज करिए आपको एक ऐसा प्रोजेक्टाइल दे रखा है, आपको एक ऐसा प्रोजेक्टाइल दे रखा है जिसमें आपसे कहा गया कि ये हमारा 60 है, ठीक है, और इससे 60 पे हम फेंक देते हैं, फिर से ऐसे दे देगा बना के कि ये भी 60 है। तो बच्चों 60 और 60 जब आप ऐड करोगे तो ये तो हो जाएगा 120, तो प्रोजेक्टाइल इधर गया कहां, ये तो एक घुमाने वाली बात हो गई, प्रोजेक्टाइल तो उधर चला गया, और उस कंडीशन में रेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रेंज निगेटिव ही आती है, तो बहुत ही प्रिकॉशन रख करके एंगल को देखते हुए आपको सवाल करना है ताकि सवाल गलत ना हो। बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि गलतियां कम से कम हो, और आज का वीडियो मैं यहीं रोक रहा हूं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा जो हमारा, वो होगा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम डाउन फ्रॉम टॉप टू डाउन, मतलब उसमें क्या होगी, उसमें जो चीज होगी मैं आपको दिखा दूं। अभी तक मैंने आपको जो प्रोजेक्टाइल दिखाया है वो ये दिखाया था कि हम यहां से यहां पे थ्रो कर रहे हैं, अब जो मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में देखिएगा वो भी कि हम यहां से यहां फेंक रहे हैं, कहीं पर भी आ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं आए, कहीं पर भी किसी भी जगह पे आ जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, इसमें ये था, ठीक है, दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटीज भी होती है थोड़ी बहुत, थोड़ी सी बातें कुछ अलग होती है, लेकिन इसमें हम चीजें दिखा सकते हैं। तो बच्चों अब मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूं, मैं आपसे भी इजाजत चाहता हूं और अपनी प्यारी सी बेटी से भी इजाजत चाहता हूं जिसने मेरे को ये चैनल बना के दिया, थैंक यू। तो इस चैनल का नाम मेरे पिताजी के पाठशाला है, इस पे मेरे पापा आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मेरे पापा ने आज आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला। ओके बाय।